हेलो फ्रेंड्स, कल हमने नदी कंधे पर ये कविता देखी थी, तो आज हम इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, तो स्वाध्याय में प्रश्न पहला, काव्य पूर्ति करो, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अगर हमारे डैश डैश रोज बहाते, तो जो येलो कलर में दिया है आपको ये उत्तर है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। तो जो भी पूर्ति किया हुआ भाग है उसको अंडरलाइन किया है, मतलब जो भी रिक्त छोड़ा था उस भाग को भरने के बाद उसको अंडरलाइन किया है। आप भी अपने नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षर में लिख के लो। दूसरा, खड़े खड़े डैश डैश रखवाते, तो इसका उत्तर है, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ भाग अब भी अंडरलाइन करो अपने नोटबुक में और अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखो। ठीक है, और हमको उसके फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्रश्न पहला, कवि की क्या कल्पना है, कवि की क्या कल्पना है। उत्तर, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। उत्तर एक बार और सुनो, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। प्रश्न दूसरा, कवि नदी को कहाँ बहाते। इसका उत्तर है, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। प्रश्न तीसरा, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते। नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। प्रश्न चौथा, शाम ढलने पर कवि क्या करते, शाम ढलने पर कवि क्या करते। उत्तर, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। उत्तर एक बार और सुनो, शाम ढलने पर कवि क्या करते, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते और जहाँ से उसको उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। ठीक है, तो अगला प्रश्न, कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्टक में से उचित समानार्थी शब्द चुनकर लिखो। कोष्टक में दिए हैं सज्जन, सरिता, प्रतिदिन, दोस्त, संध्या, ग्रह। तो ये कोष्टक में शब्द दिए हैं, जो भी शब्द सटीक बैठता है वो आपको उसके आगे लिखना है। नदी, नदी को बैठता है सरिता, लिख के दिया है आपको, फिर भी मैं मार्क करके देता हूँ, नदी को बैठता है सरिता। दूसरा है शाम, शाम मतलब संध्या। तीसरा, घर, घर को बोलते हैं ग्रह। ओके, रोज, रोज मतलब प्रतिदिन, हर रोज बोलते हैं ना हम, रोज मतलब प्रतिदिन। भद्र, भद्र मतलब
हम बोलते हैं ना देवियों और सज्जनों, तो भद्र मतलब सज्जन मतलब लोग, भद्र मतलब सज्जन। तो ये मित्र रह गया, मित्र मतलब दोस्त। तो ये छः के छः समानार्थी शब्द हो गए। और ये जो एक वाक्य में उत्तर लिखो ये भी आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ऐसे तीन प्रश्न दिए थे तो तीनों के तीनों अपने नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो, और लिखने के बाद उसके फ़ोटो निकालो, और वो फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे क्लास के या पर्सनल पे भी भेज सकते हो। तो ये हमारा स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। तो कल हम अगला पाठ जन्मदिन देखेंगे। थैंक यू।